अबे पेट्रोल खत्म क्या? गाइस ये चेक करो क्या हो गया, पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल खत्म। अंकल जी बोल रहे ना घर पे नहीं जा पाएगा ये बाइक तुम्हारा, डगरा के ले जाना पड़ेगा। मेरा वहीं पे मेरा दिल टूट गया कि अब मैं क्या करूं भाई, यहाँ से घर तो बहुत ज्यादा दूर है। मैं मरते मरते बचाऊं गाइस, मैं मरते मरते सच्ची बता रहा हूं, मैं इतनी जगह में मरते मरते बचाऊं गाइस। अगर वो चीज़ मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया होता भाई, मैं खत्म गाइस। मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप लोग भी क्या ही क्या बोलते कि चंचल भाई यार क्या ही कर रहे हो। तो अभी गाइस मैं ना स्टार्ट करने वाला हूं फिर से और फिर चलाएंगे, ठीक है। अब यहां पे मेन रोड है ना गाइस, इसलिए कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तो आराम से चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट भाई। देखो अभी भी रिएक्शन खतरनाक भाई, इधर कोई है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पता है क्या हो रहा है, दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है, मैं ट्रैफिक में ना चला नहीं पा रहा हूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है भाई, झटका दे के दे बंद हो जा रहा है भाई। चलो इधर खाली रोड है, इधर थोड़ा सा तो आइडिया पता चलेगा। देखो अभी चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है ना, अभी चल रहा है भाई सही। अगर मुझे यहाँ पे कोई बाइक आ जाए अचानक से तो मैं नहीं चला पाऊँगा, डायरेक्ट गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। रुको, हाँ अब सही है, अब अब चौथे गियर में है, अब आराम से चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है ना गाइस इसमें टंकी जो है खाली ना हो जाए भाई, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहीं पे ना लटक जाऊँ, मतलब जिधर जा रहा हूँ फिर उधर से घर कैसे आऊँगा। चलो कोई नहीं, रास्ते में एक और पेट्रोल पंप है, इसीलिए मैं पैसा लेकर आया हूँ, अगर रास्ते में धोखा दे दिया तो पेट्रोल भरवा लेंगे। भाई इसका पिकअप है भाई, बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है भाई, इसको थोड़ा सा भी ऐठो ना वहाँ तक चली जाती है। अभी तो मैं सोचो हाफ ऐठ रहा था, अगर मैं पूरा घिसता ना गाइस सोचो कहाँ भग जाएगी भाई। भाई मुझे इतना स्पीड चलाना नहीं है, बस मैं घिस रहा था देख रहा था भाई, बहुत ज़्यादा था। मैं ना 70-80 तो ले गया था भाई, इसमें मीटर में नहीं बताता है, लेकिन मैं 70-80 का स्पीड चला रहा था भाई। अभी सही चल रहा है, मेन रोड पे हूँ ना, मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मज़ा आ रहा है इसको चलाने में भाई। खींचे अभी, अगर मैं खींचता भी हूँ ना गाइस तो ये जितनी भी बाइक है ना सबको मैं पीछे छोड़ दूंगा और मैं आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि इसका पिकअप बहुत खतरनाक है भाई, बहुत तेज पकड़ता है, सन्न से भागता है भाई एरोप्लेन है। और अभी ना गाइस मेरे पिताजी जिधर गए इधर ही गए हैं, तो वो भी उधर से आते ही होंगे शायद से, कहीं रास्ते में देख लिए। तो मैं तो बोलूँगा ये वाला ले जाइए, वो वाला मुझे दे दीजिए स्कूटी, ये मेरे मान का नहीं है भाई। अगर ऐसा रास्ता रहे ना तो मैं तो चला लूँगा, और यही अगर ट्रैफिक वाला रास्ता रहे भाई नहीं चला पाऊँगा। मैं जहाँ पे लोकेशन डाला था ना गाइस वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता है, तो मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, मैं आगे से ही कहीं से यू टर्न मार लेंगे, लेकिन आगे नहीं जाएंगे। अभी तो इसमें पेट्रोल होगा ही होगा भाई, सोच रहा हूँ डलवा लूँ लेकिन पैसा मेरा खर्च हो जाएगा। चलो ख़त्म होगा तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे ही। चलो अब घिसते हैं, ठीक है, ये ऑटो थोड़ा सा और दूर चली जाए फिर खींचेंगे, और देखते हैं इसका कितना स्पीड है। चलो 1, 2 and 3 लो भाई घिस देते हैं। जय श्री राम। मेरे आँख से आंसू निकल गया यार, बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई कसम से, इतना स्पीड ना गाइस मैं कभी चलाया नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं इतना स्पीड चलाया हूँ भाई। मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जो है ना गाइस हवा में चल रही थी भाई। ओ भाई साहब मैं तो बच गया भाई, हे बजरंग बली बस ऐसे ही बचाते रहना। एक और पता है मुझे किधर जाना था, जाना था इधर, सोच रहा हूँ जाऊँ क्या, अगर ट्रैफिक ना मिले तो मैं जाऊँगा। एक बार रास्ता चेक कर लेते हैं भाई, रास्ता तो बड़ा खतरनाक सा है गाइस, मैं बता नहीं सकता यार इसका स्पीड क्या ही है भाई, खतरनाक है भाई, ये राजदूत है भाई, राजदूत है। अब मुझे ना रोड क्रॉस करना है, और पहले मैं पेट्रोल देख लेता हूँ उसमें पेट्रोल है या नहीं, वरना घर निकल जाएंगे। अभी तो है यार, हिल रहा है तो इसका मतलब बहुत है। चलो अभी लोकेशन डालते हैं और फिर यहाँ से वहीं पर चलते हैं जहाँ का मैं लोकेशन डाला था, ठीक है।
अब जो होगा देखा जाएगा, बस भगवान जी रक्षा करना। गाइस लोकेशन तो हमको मिल गया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 8 किलोमीटर कह रहा हूँ, 8 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ भाई, क्या ही करूँ। अगर स्कूटी होता ना गाइस, या मुझे बाइक चलाना आता तो मैं चला जाता यार। अब देखते आगे से, वहीं से ना जितनी गाड़ी मुड़ रही है वहीं से हम भी मुड़ेंगे। चलो निकलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे तो स्टार्ट हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। अबे हाफ ही किक में स्टार्ट हो गया भाई। चलो चलते, देखो बंद काहे होता है भाई, बाइक नहीं है भाई, ये क्या है। मैं तो आधा दिन तो इसमें किक मारते ही निकल जाएगा भाई, कसम से ये बाइक नहीं है। आज स्टार्ट हो गया, बंद मत होना भाई, बड़ा दिक्कत होता है यार इसको स्टार्ट करना। पता है गाइस सबसे ज़्यादा मुझे डर कहाँ पे लग रहा है? अगर मुझे इस साइड से उस साइड जाना है ना, तब सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं क्रॉस हो पाऊँगा भी या नहीं, ये वाला डर लग रहा है। मेरे पीछे कुछ बाइक आ रही है, बस ये निकल जाए फिर निकलते हैं भाई। मुड़ गया किसी तरह, लो भाई सोचो गाइस मुड़ाने में भी कितना ज़्यादा दिक्कत का काम है भाई, वहाँ से पूरा घूम के आना पड़ा है। जहाँ पे मैं लोकेशन डाला हूँ ना, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। मैं जाऊँ या ना जाऊँ बड़ा कंफ्यूजन है। अबे पेट्रोल ख़त्म क्या गाइस, ये चेक करो क्या हो गया, पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल ख़त्म। पेट्रोल तो दिख रहा था मुझे, पेट्रोल होने के बावजूद भी लग रहा है मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ जाएगा। वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, पेट्रोल ख़त्म गाइस, पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल ख़त्म हुआ है भाई। मतलब भगवान भी मतलब क्या चाहते थे कि मतलब मैं और ज़्यादा दिक्कत ना लूँ मतलब अपने ऊपर, इसीलिए पेट्रोल पंप के सामने ही मतलब मेरी गाड़ी बंद हुई है। डगरा डगरा के पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़ेगा भाई। चलो सही जगह ख़त्म हुआ है, चलो रोड क्रॉस हो लेते हैं। हाँ जी गाइस, अपने बाइक में पेट्रोल आ गया है, अब स्टार्ट करके देखते स्टार्ट होता भी है या नहीं। भाई पूरा लग रहा था ख़त्म हो गया है, जब मैं रुक के देखा हूँ तब वो पता चला है भाई अब काहे नहीं स्टार्ट हो रहा है। भाई हो गया बंद भी हो गया। क्या बाइक है भाई, बहुत एंटिक पीस है। अबे स्टार्ट अब क्यों नहीं हो रहा है, हो गया फिर बंद हो गया। अबे क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, कसम से ये बाइक नहीं है, ऑन तो है यार फिर भी। अबे बंद काहे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यार, गियर लगाते ही काहे बंद हो रहा है। देखो और आगे लेके चलते हैं भाई थोड़ा सा। हे बजरंग बली क्या करा रहे हो मुझसे आज, सच्ची बता रहा हूँ बड़ा अजीब सा लग रहा है गाइस। अबे नहीं हो रहा यार, ये क्या हो गया इसको। हाँ मेरी हालत ख़राब हो गई, अब मैं क्या ही करूँ यार, एक सेकेंड। अबे अब तो पेट्रोल आ गया, अब कहाँ इतना नहीं चल रहा है, भाव मत खा।
गाइस आज ये धोखा दे दी गाइस, पता नहीं कुछ इसमें अंकल जी बता रहे थे साफ करवाना पड़ेगा। अबे एक बार मुझे घर पहुंचा दे उसके बाद से तू साफ होते रहना भाई, बस बंद मत होना यार, आज मेरी पूरी हालत खराब हो गई गाइस। तो हाँ जी गाइस गौरी बाजार पहुंच गए और अब जो बाइक है ना गाइस धोखा नहीं दे रही है। अरे अभी पेट्रोल भरवाया ना तो इसीलिए थोड़ा सा धोखा दे रहा है। कितनी बेइज्जती करा रहा है मेरी भाई। अब मैं लोगों से झूठ बोल रहा हूँ गाइस कि ये ना घर पे खड़ी थी इसलिए ऐसा धोखा दे रहा है। यार बताओ लोग भी रुक रुक के पूछ रहे कहाँ हुआ।